नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने नींव बनकर भारत की इस मजबूत इमारत को एक मजबूती दी। 1980 के दशक की याद है जब असम और पूरा पूर्वांचल जल रहा था। भारतीय सेना का इंडियन डॉग्स को बैग कहकर स्वागत किया जाता था। आज उसी असम में भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है। आखिर में ये जीत कैसे हुई? कब नागपुर के एक इंजीनियर अपने चमकते कैरियर को छोड़कर पूर्वांचल की ओर निकल गए और ये बदलाव देखते देखते दशकों में ये सामने नजर आया। आज हमारे साथ हैं पूर्वांचल में अपने एक दशक लगाने वाले, पूर्वांचल में बदलाव लाने वाले और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाले किशोर शुक्ला। किशोर जी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, कांग्रेस की सरकार चली गई है, लेकिन इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव है क्या? सर्वप्रथम बहुत बहुत मन से आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मुझे आज आपके टीवी के माध्यम से जनता से आके कुछ अपनी बातें सामने रखने का मौका दिया है। असल में असम जो एक राज्य है, ये केवल एक छोटा राज्य नहीं है, ये एक संपूर्ण अलग रूप से एक अलग से आइडेंटिटी है। जितनी भारत की समस्या इकट्ठे सारे राज्यों की मिलकर है, उतनी सारी समस्या अकेले असम के अंदर ये है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने सतत आज़ादी के बाद आज तक उस क्षेत्र को निग्लेक्ट किया। अपने देश का जो मुख्य हिस्सा माना जाता है गंगा यमुना संस्कृति, और उसमें से जो मेनलैंड माना जाता है भारत का, तो उस मेनलैंड में कभी नॉर्थ ईस्ट या पूर्वांचल इसकी कोई विशेष पहचान कभी किसी के समझ में ही नहीं आई। अज्ञान के अभाव में पूर्वांचल में एक ज़बरदस्त फीलिंग ऑफ एलिनेशन रही है, अकेलेपन की भावना कि हम कटा हुआ क्या हम इस देश का हिस्सा है तो है क्या, और है तो कैसे है। ये हमारा सांस्कृतिक का ऐसा हिस्सा है जिसको महाभारत में भी प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं। तो महाभारत में युद्ध में वहाँ से भी सेना यहाँ आई थी, और परशुराम का कुंड वहाँ पर अभी आज भी वहाँ विद्यमान है। स्वयं परशुराम ने वहाँ पर जाके असम और अरुणाचल के बॉर्डर के पास में तपस्या की थी। और बाकी जो आप जितने इंटीरियर क्षेत्र में जाएंगे तो पता लगेगा कि जगह जगह पर क्षेत्र में वहाँ पर आपको हमारी संस्कृति का, और आपको किशोर जी इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति का बड़ा हिस्सा होते हुए भी बड़ा कटा रहा। लेकिन एक और बड़ी समस्या, जो जिस समय आप गए थे तो असम में आग जल रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दिया था, जगह जगह आग थी। क्या क्या थी ये बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की समस्या, किस तरह से असम को जला डाला था इसने? असल में क्या था कि असम में ये जो चिंगारी थी ना, इसका मुख्य रूट कॉज ही एलिनेशन भी था, कुछ गलत फहमी में भी थी, और मुख्य रूप से जो है कि जो असम का डेमोग्राफिक बैलेंस है, वहाँ जो जनता का कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनता का जो कंपोजिशन है, उसमें एक 10 से 15 साल के समय के अंदर में इतनी ज़्यादा परिवर्तन हो गया कि लोग उस परिवर्तन को सह नहीं सके। इसमें कई सारे ऐसे छद्म शक्तियाँ उस समय भी थी, आज भी है, और कांग्रेस ने विशेष रूप से, मैं ये कहूँगा कि इसकी जो अक्षुण्णता, इसकी जो हमारे साथ विविध था, और उसमें जो उसको जो जोड़ के रखने वाला जो काम था वोट बैंक के चलते, वो न करते हुए वोट बैंक के चलते हुए उन्होंने खुली आम छूट देकर। तो क्या किशोर जी, बड़ी बात यही है कि कांग्रेस ने तो वोट बैंक का काफ़ी वो रखा, क्या आप जो नई सरकार बीजेपी की बनी है क्या उसे अपन आशा कर सकते हैं कि नहीं अब बदलाव आएगा, अब जो ये घुसपैठियों की समस्या हल होगी, जो एक अलहदा है, जो अलगाव है वहाँ के लोगों का, वो खत्म होगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम अभी भी उसी अंगार के इस पर खड़े हैं जहाँ से कहीं पर भी पूरी स्थिति पलट सकती है। आपने देखा कि असम का जो अल्फा का एकॉर्ड हुआ है वो अभी अभी कुछ मुश्किल से एक दो साल पहले ही हुआ है,
इसका कारण है कि युवाओं में ये जो भावना है कि हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसके अलावा कि वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और हमारे साथ तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले उसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो असम का जो मुख्य डिवीजन पॉइंट था, जो ट्रिगर पॉइंट है, मेरे विचार में अब उसमें मुख्य फर्क आ रहा है असम के से। आप बता रहे हैं कि असम और पूर्वांचल के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप जिस समय आप अपना घर छोड़कर 80 के दशक में निकलकर उस इलाके में गए, तो क्या स्थितियां थी और किस तरह का माहौल था, किन परिस्थितियों में आपको मुकाबला करना पड़ा, कैसा था? जी, हम जब गए तो हमें कई सारे युवा लोगों को संघ की विचारधारा द्वारा और जो संघ के विचारों को ज़्यादा मानते हैं या हिंदुत्ववादी हैं या जिन्होंने वहाँ क्षेत्र के बारे में थोड़ा जाना समझा, उनको ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ये एक अत्यंत चैलेंजिंग और विकट परिस्थिति है। बांग्लादेश से जो भारत में आने वाला बहुत बड़ा वर्ग था, उसमें काफ़ी बड़ा वर्ग वहाँ के समाज में जो होने वाले अन्याय अत्याचार है, जो आज भी हो रहे हैं, तब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, तो उसके चलते लोग वहाँ से, विशेष रूप से हिंदू, जो बांग्लादेश का हिंदू है, वो पलायन करके भारत में आता था। बॉर्डर बहुत लंबी है जी, खुली हुई भी थी, 4,300 लंबी किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा हमारा बॉर्डर है। किशोर जी, एक बड़ी बात है, क्योंकि बचपन से मैं भी सुनता आया, क्योंकि मैं तो जब कॉलेज में था तो उस समय असम आंदोलन, गुवाहाटी, ये सारा चल रहा था, आप उस समय वहीं थे शायद, तो हर बार ये सुनते थे कि असम में भारतीयों का बड़ा विरोध होता है, भारत सेना का विरोध होता है। ऐसी परिस्थितियों में आप वहाँ कैसे गए, कैसे काम किया, क्योंकि बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप तो ना तो शक्ल सूरत वहाँ के लोगों की जैसी मिलती, ना भाषा मिलती, ऐसे में कैसे उन असमी लोगों के बीच में, जो कि एक प्रकार से मानसिक रूप से एक विरोधी हो चुके थे, उनके बीच में कितना बड़ा चैलेंज था? यह बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले दिक्कत होती है जब तक आपको उनकी भाषा नहीं आती, तब तक आप उनसे उनकी बात समझ ही नहीं सकते हैं। तो हमने सर्वप्रथम वहाँ जाने पर वहाँ के लोगों की भाषा सीखी कि जो स्थानीय लोग हैं तो उनके अंदर जाकर बैठने की, उन विद्यार्थियों में जाकर खुद वहाँ रहने की शुरुआत कर दी। कोई छोटा सा सूत्र मिल जाए, उस सूत्र को लेकर हम उस गांव में जाकर रह जाते थे, और दो तो गांव-गांव से कड़ी जुड़ी, गांव-गांव से कड़ी ऐसी जुड़ती गई हमारी। पहले बात तो लोगों को भी ऐसा बहुत विरोध होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से भाषा जो है वहाँ जोड़ने वाली है असम। लेकिन भाषाएं भी इतनी हैं कि एक व्यक्ति सभी जगह क्षेत्र में जा नहीं सकता। मैंने मुख्य रूप से जो असमिया, जो प्लेन लोग हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं, उपत्यका कहते ब्रह्मपुत्र वैली, उसके अलावा हमने बोडो लोग, ऐसे दो लोगों के बीच में हमने किया था। बोडो लोगों के बीच में हमने रहकर वहाँ विद्यार्थियों में काम किया, उनको देखा, समझा, फिर हमने उनके प्रवास आयोजित किए, उनको देश में लेकर हमने उनको भारत के विभिन्न राज्यों का प्रवास करवाया, और उस प्रवास के दौरान फिर उनको आपसी भी, कई सारे ट्राइब्स ऐसे होते हैं, कई सारे की जसाई, कई सारी जनजातियाँ होती है जो एक दूसरे को जानती नहीं है, रहते एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन जानते तक नहीं है, भाषा भी नहीं जानते। किशोर जी, एक बड़ा बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आतंक की गिरफ्त में था, और बोडो आंदोलन तो सब कहते हैं कि बोडो आंदोलन के दौरान जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ और जिस तरह का डर असम के इलाकों में बन गया था, ऐसे में आपने बोडो लोगों के बीच में काम किया, बड़ा चैलेंज था। कुल मिलाकर मैंने देखा, जब आप लोगों के बीच में जाके रहते हो तो आपको इस प्रकार का खतरा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। जब आप उनसे दूर रहते हो तो ये खतरे सारे बढ़ जाते हैं। आज पॉजिटिव काम अगर कुछ हुआ है या होने जा रहा है तो वो है कि बांग्लादेश से आने वाले जो हिंदू है उनका बहुत बड़े प्रमाण पे विरोध नहीं है, अब एसिमिलेशन है, उनको एसिमिलेशन है, काफ़ी स्वीकार भी कर लिया, उन्होंने भी इनको स्वीकार कर लिया। दूसरी बात क्या है कि जो टी गार्डन लेबर्स है वो न असमिया भाषा बोलने वाले, न बंगाली भाषा बोलने वाले, बिहार और यूपी के हो, तो वो बिहार, यूपी, उड़ीसा, इन राज्यों से गए हुए, उनको 200 साल हो गए। वो एसिमिलेशन प्रोसेस जो है ना, वो मेरे विचार में पिछले 15 साल में अच्छा हुआ है। आपसी फ्रिक्शंस
और एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब से लड़ना, ये परमाणु कुल मिलाकर काफ़ी कम हो गया है। किशोर जी, आपसी झगड़े तो कम हो गए, लेकिन सबसे बड़ा जो असम के सामने चैलेंज है जो आज भी बना हुआ है वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, जैसे आपने भी बताया, कि डेमोग्राफिक चेंज जो असमिया अस्मिता के लिए एक बड़ा सवाल खड़े कर रही है, वो एक बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।